नरेंद्र जी मोदी हमारे देश के यशस्वी और विश्वविख्यात प्रधानमंत्री को हमने ऐसी वेशभूषा पहनाने में हमें गौरवित महसूस किया। कहाँ से लाए थे, कहाँ से, कब, कितने? झाबुआ जिले में मिलता है, सब बनता है वहीं पर। तो स्पेशल बनवाया था? स्पेशल बनते ही हैं, बहुत हैं, आपको चाहिए हजारों मिल जाएंगे। चलिए, बोल रहे हैं आपको चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन गौरव इस बात का है कि प्रधानमंत्री को आपने पहना दिया। कमल जी, कमल है। देखिए, जब से इस देश में कमल खिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हर व्यक्ति का चेहरा कमल की तरह खिल रहा है, चाहे जनजाति समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, या किसान हो, मजदूर हो, महिला, युवा, सब। लेकिन आज 15 नवम्बर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ये आज़ाद भारत में, ये अमृत महोत्सव चल रहा है 75 साल में, पहली बार ये हुआ है। सही मायने में आज़ादी के बाद जनजातीय समाज को गौरव अब मिला है, जिन्होंने क्रांति की और अपने कुर्बानियाँ दी देश के लिए, अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों से लड़े, उनको अब सम्मान मिल रहा है। चाहे सरदार पटेल जी हो, कांग्रेस ने नहीं दिया, सरदार पटेल तो गृह मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू, इंदिरा, तो राजीव, लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये सम्मान बिरसा मुंडा जी को, भगवान को दिया, जनजाति समाज, तो ये माना जाए ये जो सम्मान मिला है असली में गौरव, अमृत महोत्सव हुआ तो ये जनजाति समाज को अमृत मिला है। नहीं, लेकिन ये अमृत 23-24 में बरसेगा क्या? खूब बरसेगा, 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 बरसेगा। चलिए, दरअसल बात वही है कि जिस तरह से पहुंचे थे तमाम लीडर्स, और एक तरह से कहा जाए तो गौरव दिवस मनाया गया है और सभी लोग उत्साहित हैं, पर क्या 23-24 का ये गौरव? चलिए, ये खास बातचीत भी